बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर दिन किसी का करियर बनता है तो किसी का बिगड़ जाता है। इसका बड़ा कारण फिल्में नहीं होती हैं। कभी कभी कोई फिल्म इतनी अच्छी चल जाती है जिसकी वजह से एक्ट्रेस के करियर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है कि फिल्म की वजह से एक्ट्रेस का डूबता करियर बच गया। ऐसे कई सारे एक्ट्रेस हैं जिनके लिए फिल्में बहुत बड़ा सहारा बनी उनके करियर को बचाने के लिए। आइए जानते हैं उन फिल्मों और एक्ट्रेस के नाम। नंबर 10, करीना कपूर खान। करीना कपूर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने अपनी फिल्मों में अलग अलग किरदार के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता है। आज ये जितने भी मशहूर हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब करीना कपूर की फिल्में नहीं चल रही थी। ये बात है साल 2006 के आसपास की, जब करीना ने कुछ कॉमेडी फिल्म्स करने का सोचा और 36 चाइनाटाउन और चुप चुप के जैसी फिल्में की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई और दर्शकों को करीना का किरदार भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। ऐसे में करीना कोई ऐसा किरदार चाहती थी जो दर्शकों को पसंद आए और जो उनके करियर के लिए भी अच्छा साबित हो। उसी समय उनको एक ऐसी फिल्म का ऑफर आया जिसने करीना की लाइफ चेंज कर दी। ये फिल्म थी जब वी मेट। इस फिल्म में करीना ने गीत का किरदार निभाया था। इस फिल्म और गीत के किरदार को अलग से किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये फिल्म सबको इतनी पसंद आई कि आज भी लोग गीत किरदार को याद करते हैं और उनको पसंद करते हैं। नंबर 9, संजय दत्त। संजय दत्त की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, फिर चाहे वो फिल्मों के मामले में हो या उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी हो। इन्होंने अपनी लाइफ में कई अच्छी फिल्में भी की हैं, लेकिन कई फिल्में इनकी लगातार फ्लॉप होती चली गई। ऐसे में इनकी बॉलीवुड छवि थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने से और फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद संजय दत्त को किसी ऐसे फिल्म की जरूरत थी जो इनका एक धमाकेदार कमबैक कर सके। संजय दत्त के लिए वो फिल्म अग्निपथ साबित हुई, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, किंतु उनके किरदार और अभिनय को काफी पसंद किया गया। उसके बाद संजय दत्त ने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल किया। इनके इस कमबैक से उनका बॉलीवुड करियर तो बचा ही, साथ ही इस अवतार में संजय दत्त लोगों को खूब पसंद आए और इनके कमबैक की काफी तारीफ भी हुई। नंबर 8, कंगना रनौत। बॉलीवुड में अपनी बोल्ड और डेयरिंग अंदाज के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत के बॉलीवुड में शुरुआत का समय काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छी फिल्म नहीं की। गैंगस्टर और फैशन दो ऐसी फिल्में हैं जिससे कंगना को अच्छी पहचान मिली, लेकिन कंगना की कई फिल्में फ्लॉप भी हुई जिसकी वजह से उनका करियर डूबने के कगार पर था। ऐसे में क्वीन फिल्म उनके लिए डूबते को तिनका का सहारा साबित हुई। क्वीन फिल्म में कंगना के किरदार को काफी सराहा गया है। इस फिल्म को करने के बाद कंगना का फैन बेस भी काफी बढ़ गया और इसके बाद वो काफी मशहूर और चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। नंबर 7, अजय देवगन। वैसे तो अजय देवगन बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस में से एक हैं, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया था जब अजय को अच्छी फिल्म नहीं मिल रही थी और उनके फैंस उनसे काफी नाराज हो गए थे। ऐसे में गोलमाल फिल्म आई जिसमें अजय के नए अवतार को लोगों ने काफी पसंद किया। गोलमाल और उसके बाद इस फिल्म के कई पार्ट्स आए जिसमें अजय के रोल को सराहा गया है। सिर्फ गोलमाल ही नहीं, इस फिल्म से वापसी करने के बाद अजय ने सिंघम जैसी कई अच्छी फिल्में बनाई और अपने बॉलीवुड करियर को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। नंबर 6, विद्या बालन। विद्या बालन जब इंडस्ट्री में आई तो उनको कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी। शुरुआत में उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही जिसकी वजह से उनको अच्छी पहचान नहीं मिली। द डर्टी पिक्चर फिल्म ने विद्या को एक अलग और नई पहचान दी। इस फिल्म में विद्या के बोल्ड और अलग अंदाज को सभी ने पसंद किया। इस फिल्म ने विद्या के करियर को अच्छा उछाल दिया और वो एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में जानी जाने लगी। नंबर 5, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर का करियर बॉलीवुड में कभी अच्छा तो कभी थोड़ा पिछड़ा हुआ रहा। शुरुआत में उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में की तो कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन एक फिल्म जिसकी वजह से शाहिद का करियर अच्छे मुकाम पर पहुंचा और उनकी एक्टिंग की भी सराहना की गई, वो है हैदर। इस फिल्म ने शाहिद को अच्छा खासा फेम दिया और उनके करियर को एक अच्छी दिशा भी मिल गई। इसके बाद शाहिद ने कई अच्छी फिल्में की और अपने करियर को एक नई दिशा भी दी। नंबर 4, तब्बू। वैसे तो तब्बू की बॉलीवुड में एक अच्छी पहचान बनी हुई है, उन्होंने कई अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन ऐसा वक्त आया था जब इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और इनके बॉलीवुड करियर पर इसका नेगेटिव प्रभाव देखा जा रहा था। लेकिन तब्बू ने हार नहीं मानी और अपने करियर को लेकर कोई रिस्क नहीं लिया। उनकी दृश्यम फिल्म और हैदर फिल्म में कमाल की एक्टिंग की सबने सराहना की और फिर इसके बाद तब्बू दोबारा बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में सफल हो गई। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान बन गई जो आज तक कायम है। नंबर 3, अनिल कपूर। देखा जाए तो बॉलीवुड में अनिल कपूर का काफी अच्छा करियर रहा है और ये एक अच्छे एक्टर के रूप में जाने भी जाते हैं। इन बातों के साथ ये बात भी इतनी ही सच है कि हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक वैसे ही समय से अनिल कपूर भी गुजरे और उनकी कुछ फिल्मों का फ्लॉप हो जाना उनके बॉलीवुड करियर पर असर कर रहा था। कुछ समय बाद अनिल कपूर एक नए अंदाज में वापस आए और दिल धड़कने दो और जुग जुग जियो जैसी फिल्मों की, जिसमें अनिल कपूर को एक नई पहचान मिली। अब बॉलीवुड में अनिल कपूर अपनी एक अलग और नई छवि के लिए जाने जाते हैं। नंबर 2, कियारा आडवाणी।
बॉलीवुड में एक्ट्रेस आजकल बहुत अधिक चर्चा में है, लेकिन एक समय था जब इनको भी कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल रही थी और बॉलीवुड में करियर बनाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे तो इन्होंने कई फिल्में की हैं, लेकिन दर्शकों के ध्यान को अपनी तरफ करने वाली इनकी फिल्म कबीर सिंह रही, जिसमें प्रीति के किरदार को काफी सराहा गया और कियारा को एक अच्छी पहचान मिल गई। इस फिल्म के बाद इनको और मशहूर इनकी फिल्म शेरशाह ने बनाया। उस फिल्म में भी कियारा के रोल की वजह से लोग इनकी एक्टिंग के बहुत अधिक फैन हो गए। आज ये बॉलीवुड में एक मशहूर प्रचलित एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती है। नंबर एक, विकी कौशल। कहने को विकी कौशल अभी इंडस्ट्री में आए हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए ये बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अच्छी फिल्म ना मिलने के कारण ये लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रचलित नहीं हो पा रहे थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। वैसे तो इनकी फिल्म राजी भी बहुत चली, लेकिन उससे ज्यादा इनके किरदार को उरी फिल्म से पहचान मिली। उरी फिल्म करने के बाद विकी कौशल की एक अलग पहचान बन गई। साथ ही बॉलीवुड में इनका करियर भी अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। ऐसे कई एक्ट्रेस हैं जो आज भी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और किसी एक भी अच्छी फिल्म मिल जाने का इंतजार में हैं। इसके साथ ही ऊपर जितने भी एक्ट्रेस के बारे में बताया गया है, उसके अलावा भी कई ऐसे और भी एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक दो फिल्मों की वजह से बॉलीवुड में स्थान बना पाए या अपनी डूबे हुए करियर को बचा पाए।